हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल इज वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल डॉली पंजाबन। आप देख सकते हैं मेरे साथ जो है पूरे के पूरे राजस्थानी फैमिली, यानी कि भाभी की फैमिली, दोनों बहुएं साथ ही है और हम आज जा रहे हैं भाभी के घर। तो गाइस, ये आप देख रहे हैं कॉमन एरिया है जी टावर का, भाभी के घर का। और इस कॉमन एरिया को भी इनके हस्बैंड ने कितने अच्छे से डेकोर कर रखा है कि फ्लोर पर आते ही मज़े आ जाते हैं, बहुत ही सुंदर। और ये यहाँ मेरी सारी फ्रेंड्स जो है भाभी के घर जाते हुए आज जो है भाभी का घर जो है सारे दोस्तों को, सारे फ्रेंड्स को ये देखिए गाइस, बेहद ही खूबसूरत एंट्रेंस है भाभी के घर की। न्यू घर बनाया है भाभी ने, परचेज किया है और बहुत ही खूबसूरत डेकोर किया हुआ है। इस तरह की स्ट्रिंग्स लगाई हुई हैं, आजकल बड़ा ट्रेंड है इनका। ये देखिए, मिली है मेरी पंजाबन फ्रेंड से, हमेशा मिलते हो हमेशा। आपको तो नाम भी याद हो गया, नहीं याद है तो बता देते हो, कनिका। ये है तनु ये हमारी भाभी जी की बहू है। साथ में ये हमारी गरिमा जो आज बहुत ही ज्यादा कैर ढा रही है, है? आज तो बिल्कुल न्यू लुक है और बेहद ही सुंदर जो है इसने आज कलर पहना है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो भाभी जी का घर घुमाया जाए। ये हमारी प्यारी भाभी जी। भाभी जी राम राम कर दो सबको। और भाभी जी की आज सालगिरह है, तो गाइस हम सबकी तरफ से भाभी को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, उनकी एनिवर्सरी बहुत बहुत उन्हें मुबारक हो। देखो भाभी ये मेरी फ्रेंड है। और ये जो है इस तरह से भाभी ने अपनी मॉड्यूलर किचन बनाई है गाइस, बेहद ही खूबसूरत जो है मॉड्यूलर किचन है और बहुत ही खूबसूरत घर। तो भाभी ने पानी ऑफर किया है, तो पहले पानी पीते हैं और साथ में जो है आपको घर घुमाते हैं। तो गाइस, ये जो बालकनी है जो आप मेरे घर में भी देखते हैं, तो उन्होंने इस बालकनी को थोड़ा बढ़ा के जो है यहाँ पर ये लगा लिए हैं, सिंक्स लगा लिए हैं, डिश वॉश करती हैं। बहुत बड़ी किचन का साइज हो गया है इससे और हर चीज इनके अंदर ही आ जाती है, बाहर कुछ भी बिखरा नहीं रहता। ये भाभी का रेस्ट रूम है गाइस, और इसमें जो है ना भाभी ने इस जगह जो है बड़ा एक मिरर दिया है, और जो कि होना भी चाहिए घर में, एक जो लेडीज की उनको बैठ के सजने में काफी चौड़ा लगा दिया, तो हस्बैंड वाइफ भी आराम से इकट्ठे तैयार हो सकते हैं और ये कुछ पिक्स है इनकी। और ये देखिए, जब भाभी न्यूली मैरिड थी तब की पिक्स है ये, कुछ बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। और भाभी ने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन भी कर लिया है। और ये इनका बेटा, छोटा सा बेटा, ये भाभी का मास्टर बेडरूम है। तो बहुत ही सुंदर घर है भाभी का, और हर जगह जो है बहुत ही प्यारी। और इस तरह से जो है आपको इनकी बालकनी भी घुमाती हूँ। ये है इनकी बालकनी, और देखिए कितने अच्छे से दोनों तरफ जो है स्टैंड पे पौधे लगाए हुए हैं। तो जो इनके हस्बैंड हैं वो फौज में रह चुके हैं और अब वो वापस आए हैं अपने घर, और उनको प्लांटिंग का बहुत ही शौक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से उन्होंने ग्रीन ग्रास लगा के और साइड में जो है गमले लगाए हैं, इससे जो है ना बालकनी स्पेशियस भी हो गई और ग्रीनरी भी हो गई और साफ़ सफाई भी हो गई। तो बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह जब बालकनी में बैठते हैं और ग्रीनरी में बैठे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और कुछ इस तरह का भाभी ने जो इस ग्रिल को थोड़ा बड़ा करवा लिया है ताकि बच्चे वगैरह का गिरने का डर ना रहे, बच्चे आराम से जो है इंजॉय करें, खेलें। और कुछ व्यू की अगर मैं बात कर लूँ तो बिल्कुल सामने का व्यू दिखाई देता है,
तो गाइज अगर देखें तो यहाँ पर इनको पार्क व्यू मिला हुआ है, सामने आप पार्क देख सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफिस, जिम वगैरह देखने को मिलता है पार्किंग। जस्ट सामने जो ये टावर दिख रहा है ये हमारा टावर है, ई टावर, और ये जो है व्यू दिखता है रोड का, मेन रोड का व्यू भी नज़र आता है। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है भाभी के घर का, और बहुत रिलैक्सिंग फील होता है भाभी के घर आके, क्योंकि साफ सफाई बहुत है, बच्चों को भी कोई डर नहीं है, खेलने खूब भाग भाग के गिरने का कोई डर नहीं। सही, ऐसे एक और रूम भी है जैसे कि आप देख सकते हैं, एक और बेडरूम है, और ये इनके बेटे का रूम है, इसमें इन्होंने इस तरह से जो है बहुत ही खूबसूरत हर चीज़ जो है मेंटेन है। ये टीवी यूनिट है, अभी टीवी लगाया नहीं है, कुछ दिनों बाद टीवी लग जाएगा रूम में। और ये देख सकते हैं मेरा नन्ना शैतान आराम से यहाँ पर एंजॉय करता हुआ। तो ये जो हमारी बहू रानी है ये बहुत काम करती है और सारे दिन बहुत मेहनत करती है, भागती रहती है, इसका इसीलिए जो है इसका फिगर भी बहुत ही मेंटेन है। वॉल सीलिंग जो है कितनी खूबसूरत है, लाइटनिंग बहुत अच्छी है। हम लोग डांस करेंगे तो जो डिस्क जैसी फील आती है। तो बहुत ही अच्छा जो है घर है। चौथी बनाई हुई है इसकी मम्मा ने इसकी, और यहाँ पर जो है छोटा बेटा भी है मेरा, कभी इसके साथ खेलना पड़ जाए, एक शब्द बोला नहीं है। सही बात। ओ गरिमा गरिमा चिंता नहीं, हमने अच्छे अच्छे को बुलवा दिया। हमारे साथ में जो लोग शांत रहते थे ना, कम बोलते, सब बोलना सीख गए। तो हो चुकी दुल्हन का जो है मुंह मीठा करा रही है मेरी सारी फ्रेंड्स, वो एक साथ ही अटैक करने लग जाती हैं। एक साथ ही सबको एक साथ ही खिलाना है। तो भाभी मुंह मत कुछ बड़ा सा खोल लो। हाँ तो भाई सारे के सारे जो है भाभी का मुंह मीठा कराते हुए, हाँ, और ये मेरी तरफ से भी और आप सब की तरफ से गाइस भाभी का। ये हमारी गायत्री डोली पंजाबन मुंह मीठा कराते हुए भाभी का। भाभी धीरे धीरे खा रही है, अपना ध्यान रख रही है, और इन्होंने मेंटेन भी कर लिया है, आपको बहुत मेंटेन कर लिया है। चलो भाभी आप नहीं आता तो क्या करें।
तभी वो नदी गई
पायल के ही time.